आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में फीवर सर्वे का किया गया आगाज, घर घर पहुँच कर तिब्बी जाँच जारी। मेडिकल किट्स की फराहमी को यकीनी बनाने मुतालिका वज़ीर ने दी हिदायत। इकतीस जनवरी के बाद तालीमी इदारों की तातीलात में तौसी नहीं की जाएगी, इम्तिहानात बर वक्त मुनक्किद किए जाएंगे, वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी का बयान। गांजे की गैरकानूनी मुंतकली नाकाम, छह मुलजमीन जेर हिरासत। 800 किलो गांजा किया गया बरामद, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। स्पेशल ऑपरेशंस टीम शमशाबाद और मियांपुर पुलिस ने मुश्तरिका कार्रवाई के दौरान गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया और छह बैन रियासती मुलजमीन को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई और बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 800 किलो गांजा, एक मोटर कार, एक डीसीएम के अलावा नकद रकम और दीगर अशिया जुमला मालियती 1,80,00,000 रुपए बरामद की गई है। स्वाधीन चुस्कनी सीज जी चट विरुद्ध मत पदार्थ सरफरा चुस्त इंटरस्टेट गैंग सभ्यु अदा सीज़ेसकंजा उ टोटल वाल्यू चूस्ते 80,00,000 वरकू उ मरी गांजा अम्मी मरी कोन्नावारु मरी सेविंचिन वारिपै कठिन चर्यलु कूडा तीसुकोवडं जरुगुतुंदि। मरी विवरालोकि वेल्ते एंटायर गैंग एदैते उन्नादो ई गैंग अबौट 8 मेंबर्स वरकु उन्नट्टु मनकि ऐडेंटिफै चेशामु। ప్రధానంగా మనకి ఇందులో 6 మెంబర్స్ అంటే A1 వికాస్, A3 అశోక్। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद रियासत भर में घर घर पहुंचकर फीवर सर्वे का आगाज किया गया है। इस सिलसिले में आशा वर्कर्स और जीएचएमसी अमले की खिदमत हासिल की गई हैं। नाज़रीन ग्रामीण, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। उधरियाला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जुमा के रोज से रियासत भर में फीवर सर्वे का आगाज हुआ। इस सिलसिले में चिंतल बस्ती हेल्थ सेंटर की जानिब से खैरताबाद की हिलटॉप कॉलोनी कॉम्प्लेक्स की हर मंजिल और हर फ्लैट में आशा वर्कर्स, जीएचएमसी अमला पहुंचते हुए आवाम से मुलाकात की और बुखार की तफसीलात भी हासिल की गईं। ज़रूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक दवाएं मुफ्त फराहम की गईं। इस मौके पर डॉक्टर संजीव ने बताया कि हैदराबाद में 10 दिन तक फीवर सर्वे किया जाएगा और जो अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं उन्हें होम आइसोलेशन किट्स भी फराहम किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर 10 यौम में तौसी भी की जा सकती है। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने साल 2022-23 के आम बजट की तैयारियों का आगाज़ करते हुए तमाम महकमजात के आला अहदेदारों, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और दीगर अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपने महकमे के बजट की तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि उनके पास जल्द अज जल्द तजावीज़ पेश कर देनी चाहिए। जराए के मुताबिक वज़ीर फाइनेंस हरीश राव साल 2021-22 की तरह जारिया साल पेश किए जाने वाला बजट नॉन टैक्स बजट रखना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो हिकमत अमली बना रहे हैं।
साल 2022-23 के बजट में 7% बजट तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मुख्तस किया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने वखारबाद के महकमे तालीमात और दीगर अहदेदारों से वर्चुअल मीट के ज़रिए बात की और उन्होंने वाज़ किया कि हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला घर घर फीवर सर्वे हर महकमे के अहदेदारों के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें तआवुन करें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला ये इकदाम क़बल अज़ वक्त किया गया फीवर सर्वे को नीति आयोग ने भी सताइश की थी। उन्होंने वादे किया कि 31 जनवरी के बाद स्कूल्स और तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी नहीं की जाएगी और जारिया साल तमाम इम्तहानात का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना भर में कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने स्कूल्स और तालीमी इदारों की तातीलात में 31 जनवरी तक तौसी तो की, लेकिन खानगी स्कूल्स मैनेजमेंट के जिम्मेदारों ने अपने स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला करते हुए तलबा तालिबात को मैसेज के जरिए इतला दी है, जिस पर सरपरस्तों का कहना है कि खानगी स्कूल्स महज टर्म फीस वसूल करने की खातिर ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे तलबा को ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ताहम मैसेज के ज़रिए इत्तला दी जा रही है और जो फीस अदा करना बाकी है इस सिलसिले में भी इत्तला दी जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो करें और खानगी इंतज़ामिया के लिए हिदायत जारी करें। रियासती वज़ीर एंडोमेंट इंद्रा रेड्डी ने यादाद्री मंदिर पहुंचकर अपने अफराद ख़ानदान के हमरा दर्शन किए और बताया कि अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया है और यादाद्री मंदिर के तामीरी कामों की तफसीलात भी हासिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि तामीरी कामों के सिलसिले में कई एक हिदायतें भी जारी की गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यादाद्री मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आला के सीआर सर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियतों को मदु किया जाएगा। कुकटपल्ली में वाक़ एक सुपरमार्केट पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों की जानिब से धावा किया गया। बताया गया कि इस्तेमाल की मुद्दत के ख़त्म होने के बाद भी बाद अशिया की फरोख्त की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हुए 3 महीने के बाद भी कोई चीज़ फरोख्त की जा रही थी। ग्राहक की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने यहाँ पर धावा किया। अहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि किसी भी तरह की शय फरोख्त की जाती है जिसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्केट में चूहे और झींगर की मौजूदगी का भी सख्त नोट लिया गया। ఇప్పుడు ఇవాలంతా 19th డేట్ అంటే 4 డేస్ అయిపోయింది ఎక్స్‌పైర్ అయిపోయింది ఇగో 15 డేస్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే 4 డేస్ అయిపోయింది ఎందుకు ఎక్స్‌పైర్ మీ పేరు చెప్పండి ఎందుకు ఎక్స్‌పైర్ అయ్యని అమ్ముతున్నారు సారీ సార్ తప్పైపోయింది సార్ మీ పేరు ఏంటి నా బ్రదర్
కాదండి ఆయన హెల్త్ పోతుందండి హాస్పిటల్ పడితే మళ్ళీ నీ ఉద్యోగం నీకు వచ్చేసరి ఇక్కడ కాకపోయినా వేరే దానిలో పని చేస్తావు నువ్వు నీకేం సార్ ఇది చాలా సీరియస్ ఇది మీట్ ఇది డైరీ ప్రొడక్ట్ ఇది డేంజర్ అది ఇప్పుడు విషయం తెలుసా నేను చూడకుండా తాగినాను తాగిన ఇది కాదు ఒక్కసారి శాంపుల్ చూడండి డైరీ ప్రొడక్ట్ కి గ్యాస్ ఎట్లా వస్తుంది చూపిస్తాను ఇప్పుడు అవు సౌండ్ ఎట్లా వచ్చింది అది చూపించండి మళ్ళీ దాని మీద డేట్ చూడండి అన్ని అట్లే ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ తప్పిది ఎక్స్పైర్ ప్రోడక్ట్ మీరు అమ్మకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ कोटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इमारत की चौथी मंजिल पर जुमेरात की रात आतिशबाजी हादसा पेश आया। आग लगने की वजह से दस्तावेजा जलकर खाकिस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही मकामे वाक़े पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने इस आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दस्तावेजात जले हैं और इनका तखमीना लगाया जाना बाकी है। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस ने केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। ఈరోజు సాయంత్రం 2:09 ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినట్టు మనకు సమాచారం వచ్చింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ప్రతిమ హాస్పిటల్ పక్కకు ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్లో 4th ఫ్లోర్లో హౌసింగ్ బోర్డ్ వెస్ట్రన్ రీజియన్కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ ఉంది. ఆఫీస్లో మంటలు అంటుకున్నట్టు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాచ్మెన్ చూసి ఇమ్మీడియట్ తబ్లా రెస్టారెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి సమాచారం అంది కానీ ఇమ్మీడియట్ మాకు కూడా 100 డయల్ కాల్ రావడం, ఇమ్మీడియట్ ఫైర్ ఇంజన్స్ అండ్ పోలీస్ స్టాఫ్ ఇమ్మీడియట్ రావడము, అక్కడ 4th ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళి ఇమ్మీడియట్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి తక్షణమే సహాయక కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టి ఇమ్మీడియట్ ఈ ఫైర్ పూర్తిగా అంటుకోకుండా కాపాడగలిగాం. దాంట్లో ఎంట్రన్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పార్ట్లో ఈ స్టోర్స్ రెగ్యులర్ కరెస్పాండెన్స్ ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ అని, రైట్ సైడ్ ఏఈ ఆఫీస్ అండ్ హౌసింగ్ బోర్డ్ సంబంధించినటువంటి ఏఈ ఆఫీస్ వాళ్ళ స్టోర్స్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇందాక ఏఈ గారు చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో విలువైన పత్రాలు ఏమైనా కాలినాయా లేదా అనేది మనకు తర్వాత తెలుస్తుంది. అట్లాంటిదైతే ఏం లేదని చెప్పారు ఇందాక. ఇమీడియట్ రష్ అప్ కావడము, దాన్ని తక్షణ మనం ఇమీడియట్ రెస్పాండ్ కావడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా కాపాడుకోగలిగాం. کلیمن چادر المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور متعلقہ ڈویژنز میں پیدل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کر رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی جعفر حسین معراج نے ملے پلی ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. انہوں نے افضل ساگر نالے کے قریب ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی انجام دیا. اس موقع پر ملے پلی نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے. ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے فلک نما پولیس اور محکمہ بہبودی اطفال کے اشتراک سے کاروائی کرتے ہوئے فاطمہ نگر فلک نما میں واقع بیکس اور سیٹ کور تیاری کے ایک یونٹ پر دھاوا کیا. اس یونٹ سے 8 بچوں کو مزدوری سے آزاد کروایا گیا. پولیس نے 32 سالہ شیخ توفیق کو حراست میں لیا اور اس کے خلاف کیس بھی درج کیا گیا. مزدوری کی غرض سے بچوں کو ریاست بہار سے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا تھا.
साउदर्न टास्क फोर्स टीम ने जरूरतमंद बैन अल-अख़वामी परवाजों से सफर करने वाले मुसाफरीन और जरूरतमंदों को कोविड टीका अंदाजी के फर्जी सर्टिफिकेट्स मुहैया करवाने वाले दो मुलजमीन को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक डीसीपी टास्क फोर्स ने बताया कि दोनों मुलजमीन 2-3 हज़ार रुपये हासिल करते हुए न सिर्फ कोविड टीका अंदाजी के फर्जी सर्टिफिकेट्स मुहैया कर रहे थे बल्कि RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट्स भी दी जा रही थी। अलावा जी मुलजमीन टीका अंदाजी के भी फर्जी सर्टिफिकेट्स मुहैया कर रहे थे। मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए मलकपेट और हुमायूंनगर पुलिस ने भी अपना इश्तराक पेश किया। हटते नहीं कितना भी लेना वही रहते और इसमें पहला केस लक्ष्मण और प्रभात कुमार सांगी का गिरफ्तारी हुआ और इनके पास फेक RT-PCR कोविड का जो टेस्ट है टेस्ट रिपोर्ट्स है उसका फेक सर्टिफिकेट्स जो नेगेटिव फेक सर्टिफिकेट्स है वो 65 और सैंपल कलेक्शन किट 20 और एक सेलफोन का बरामद हुआ। ये लक्ष्मण है ये महबूब नगर वाला है और अभी आसमान नगर मलकपेट में रहता है और ये 2012 में डिप्लोमा किया उसके बाद कई डायग्नोस्टिक सेंटर में लैब टेक्नीशियन के जैसा काम करा और एक साल पहले इसका खुद का एक डायग्नोस्टिक सेंटर होम केयर डायग्नोस्टिक सेंटर आसमानगढ़ में खोला और ये कई डायग्नोस्टिक सेंटर से टाई अप करके ये सैंपल कलेक्ट करता है और कई तरह की टेस्ट करने के लिए सैंपल कलेक्ट करके ये डायग्नोस्टिक सेंटर को देता है। और जो ये RT-PCR टेस्ट है इसमें नेसल और ओरल सैंपल्स लेते हैं मगर ये इसके पास जो टेस्ट किट्स है वो बिना एक डम्मी सैंपल लेके मतलब बिना नेसल और ओरल सैंपल का बिना ये डायरेक्टली सैंपल डायग्नोस्टिक सेंटर को भेज रहा है और इसमें जो रिपोर्ट है वो सही है मगर इसका जो प्रोसेस है वो गलत है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स है वो ऑलमोस्ट 65 लोगों को इश्यू हुआ है ये ज़्यादातर अब्रॉड सफ़र करने वालों को और डोमेस्टिक कई राष्ट्रों को जाने वालों को ये नेगेटिव सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। तो इसमें लक्ष्मण का गिरफ्तारी हुआ और प्रभात कुमार सांगी ये इनसे एक नेगेटिव रिपोर्ट लिए थे उनका भी अरेस्ट हुआ और कई दूसरे रिपोर्ट्स का भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। कई लोग बाहर गए हैं उन लोगों को सब लोगों को नोटिस भिजा के उनका भी गिरफ्तारी करते हैं। सर कितना चार्ज होता है? और एक केस है ये सेकंड केस में गिरफ्तारी हुआ ये मेहदीपट्टनम के रहने वाले हैं गुलाम मुस्तफ़ा शकील ये एक ट्रैवल्स बिजनेस करते हैं और ये मेहदीपट्टनम वाले मोहम्मद नहीं अब्दुल बशीर ये भी ट्रैवल एजेंट है आसिफ नगर के और इरफान अंसारी ये राजेंद्र नगर के हैं। इनके पास से फेक कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स 50 और फेक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स 10 और सेलफोन का बरामद हुआ। तारिक हबीब एक आसिफ नगर का रहने वाला है और 2018 में इसने डिप्लोमा किया लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और उसके बाद इसका खुद का एक साल पहले इसका खुद का एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला इमेज डायग्नोस्टिक सेंटर आसिफ नगर में। अभी विदेश जाने के लिए और फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया तो इसलिए ये पूरे
ट्रैवल एजेंट्स वाले बिना सर्टिफिकेट के जो लोग हैं उनसे ये फेक सर्टिफिकेट बनवा के ट्रैवल कर रहे हैं ये सब लोग। सो ये जो 50 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी बैक डेट में दिए गए हैं। इसमें एक कुमारी बोल के एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है प्राइमरी हेल्थ सेंटर आसिफ नगर में, ये भी इन्वॉल्व है, ये बैक डेट में दे रही है। उनका भी वो अभी अब्सकॉन्डिंग है, उनको भी हम पकड़ के गिरफ्तार करते हैं। और ये एक एक वैक्सीन सर्टिफिकेट 800 रुपये से 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं और RT-PCR टेस्ट 2000 से 3000 तक चार्ज कर रहे हैं। मेरी तरफ से सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को एक वार्निंग है कि हम सभी डायग्नोस्टिक सेंटर पे ये हमारी नज़र है। ऐसे बहुत सारे हमको इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि फेक टेस्ट रिपोर्ट्स और वैक्सीन दे रहे बोल के हमको जानकारी है, सभी पे पूरा टीम नज़र रखे हैं और जब भी हमको इन्फॉर्मेशन आता है इन पे केस करते हैं और सभी को अरेस्ट करते हैं, कस्टमर्स को भी अरेस्ट करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दो ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार करें और इसमें जो इरफान है वो बिना वैक्सीन का, बिना फिजिकल वैक्सीन का डायरेक्टली सर्टिफिकेट लिया बैक डेट पे, उसका भी गिरफ्तारी हुआ आज और बाकी लोगों का भी गिरफ्तारी करते हैं। बोला कुमारी बोल के एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वो बैक डेट पे दे रही है, वो अभी अब्सकॉन्डिंग है, उनको हम पकड़ के गिरफ्तार करते हैं। हुसैनियालम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक होमगार्ड की मौत के बाद पुलिस स्टेशन के अमले ने मुतवफ़ी के अफराद खानदान को 1,00,000 रुपए का अतिया दिया। तफसीलात के मुताबिक होमगार्ड लायक हुसैन बीमार होने के बाद इंतकाल कर गए और पुलिस स्टेशन अमले ने अपने तौर पर 1,00,000 रुपए जमा करते हुए उनकी अहलिया आरिफा बेगम के हवाले किया। इस मौके पर ACP चारमीनार डिवीजन भिक्षम रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ये 1,00,000 है पूरा आपकी है, आपके साथ देखिए बुढ़ापन में अपने पास कुछ है तो कोई मदद में आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। मैं हमने को बोल दिया कोई जगह का पैसा भी रहता है, एक आदमी रहता अपना, उनको आपका शॉल का आइए देखेंगे उफे के बात की खबरें। राम कॉलोनी पहाड़ी शरीफ की साकिन 22 साला पिंकी कुमारी पिछले 5 दिन से लापता बताई गई हैं। घर वालों के मुताबिक खातून की शादी हुए 3 महीने हुआ है जबकि दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। अगर किसी को नजर आ जाए तो मोबाइल नंबर 9579525317 या फिर 9490617241 पर इत्तला दी जा सकती है। मुनासिब इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। मेरा नाम भरत यादव, मैं श्रीराम कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा गांव बिहार हुआ, स्टेट पटना डिस्ट्रिक्ट। ये मेरा साला हुए, इनका वाइफ का मिसिंग हो गया है। संडे नाइट में 12 बजे के बाद 12 और 5 के बीच में उन्हें गायब हो गई है। उसका थोड़ा दिमागी हालत कमज़ोर है, मेंटल टाइप पे है। किसी भाई को अगर पता चले तो भाई लोगों से गुजारिश है कि ये नंबर पे या पहाड़ी शरीफ के पुलिस स्टेशन के नंबर पे कॉल करें, थोड़ा हेल्प करें। जो भाई भी अगर ला के देता है वो भाई को हम हमारे तरफ से 5,000 का इनाम है। ये नंबर है, अगर किसी भाई को मिले तो ये नंबर पे कॉल करो। इनका नाम है रिंकी कुमारी, इनका हस्बैंड का नाम सुबोध कुमार। कौन से PS में कंप्लेंट दिया? पहाड़ी शरीफ। ठीक, नंबर 9579525317 ये नंबर पे कॉल करें। पहाड़ी शरीफ PS पे नहीं तो कॉल करें। हैदराबाद बोल दीजिए। हैदराबाद। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में फीवर सर्वे का किया गया आगाज, घर घर पहुंचकर तिब्बी जांच जारी।
मेडिकल किट्स की फराहमी को यकीनी बनाने मुतालिका वजीर ने दी हिदायत। इकतीस जनवरी के बाद तालीमी इदारों की तातीलात में तौसी नहीं की जाएगी, इम्तिहानात बर वक्त मुनक्किद किए जाएंगे, वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी का बयान। गांजे की गैरकानूनी मुंतकली नाकाम, छह मुलजमीन जेर हिरासत, 800 किलो गांजा किया गया बरामद, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अक्वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।